बिहार राज्य बासीदा के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरे साथ अतुल जी पाखरे कैमरामैन। आप देख सकते यहाँ पर महाबोधि विहार है इसमें बिहार राज्य में। तो दोस्तों अभी यहाँ पर अंदर मज़ा लेने वाले हैं। अगर अंदर कैमरा अलाउड होता है तो हम अंदर का जो दृश्य है यहाँ पर मैंने सुना है कि बहुत ही अतुलनीय और बहुत ही खास देखने लायक बौद्ध विहार है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों बने रहे इस वीडियो में। बाकी जब ये अभी अंदर आगे जा चुके हैं हम, साथ में ही इस विहार का जो देखने लायक क्या है उसका मज़ा लेंगे। दोस्तों इस वीडियो में बने रहे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हम बिहार में महाबोधि विहार जो है बौद्ध का, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। और देखिए आप कितना बड़ा मंदिर विहार है यहाँ पर। दोस्तों काफ़ी अंदर मज़ेदायक है, देखने लायक है, बने रहे वीडियो में। हमारे बापीदा जी इस विहार के बारे में आपको बताएंगे, बौद्ध के बारे में बताएंगे। यही मंदिर है जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और बौद्धिस्ट धर्म उनको यहीं से प्रचार किए थे। और इसका पीछे जो जो पेड़ है उस पेड़ का भी हम लोग दिखाएंगे आपको, देखेंगे जहाँ जिस पेड़ के नीचे वो बैठ कर ग्रंथ प्राप्त किए थे और वहाँ पर साधना किए थे। दोस्तों हमारे साथ बना रहे वीडियो में। ఆన వాడనే వాడితే భరిస్తు Thank you.
दोस्तों आपने देखा भी जो हम बिहार में गए थे वो यही वो महाबोधि मंदिर है, यही वो महाबोधि विहार है जिसमें आपको दिखाया अभी। और ये अद्भुत कारीगर जो बाहर की नक्शियाँ और मूर्तियाँ है। दोस्तों अभी हम बोधिरूपा के पास जाने वाले हैं जो लगभग 2500 साल पुराना है और लगता है मुझे 5वीं पीढ़ी उसकी है ना, 5वीं पीढ़ी। तो चलिए अभी वहाँ पर जाकर देखते हैं। दोस्तों यही जो पेड़ है जिस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को सिद्धि प्राप्त हुआ था और उसके बाद 5वीं 6वीं शताब्दी में राजा अशोक ने इस मंदिर को बनाई थी। उसके बाद 2001 में इस मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज में स्थान मिला और इसके बाद यही जो पेड़ है जहाँ पर बैठ के गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद वो पूरे वर्ल्ड में निकल गए अपना धर्म प्रचार करने के लिए और उसके साथ साथ गौतम बुद्ध बहुत बड़ा राजा का बेटा था लेकिन अपना सब कुछ त्याग करके धन दौलत सब कुछ त्याग करके वो ईश्वर की खोज में निकल गए थे। दोस्तों बने रहिएगा हमारे वीडियो के बाद हम लोग इसी तरह को बताते हैं। दोस्तों ये यही हो महाबोधि वृक्ष जो आप देख रहे हैं कैमरे में दिखाइए ऊपर, लगभग 2500 साल पुराना अब तक टिका हुआ है और 5वीं 6वीं इसकी सदी है, 5वीं से 6वीं पीढ़ी से ये अभी इसको जीवित रखा गया है। दोस्तों काफ़ी अतुलनीय है, काफ़ी मज़ेदार यहाँ पर आकर अच्छा लगा। बिहार में मैं पहली बार आया हूँ और बोधगया को आने का मेरा जो ख्वाब था आज पूरा हुआ है। माफी दा की वजह से उन्होंने मुझे यहाँ पर लेकर आए और काफ़ी मज़ेदार ये और अतुलनीय जो नक्शिया है बोधगया है दिखाई दिया है। तो चलिए आगे जाकर गेट से हम टेम्पल मिल करते हैं तो गेट के पास लाल बुझा वापी कर रहे हैं संताय टेम्पल ये सब वस्तु उस समय न थी कुछ नहीं ओनली फॉरेस्ट नेम उर्वेला फॉरेस्ट उर्वेला जंगल में चरवाहे लोग गाय भैंस भेड़ बकरियां चरा रहे थे। जब ऐसा बाजधारी पर नज़र पड़ा तो चरवाहे ने थिंकिंग किया कि लगते हैं कोई साधु पंख। तो चरवाहे ने भगवान बुद्ध से क्वेश्चन कर प्रश्न कर बैठे चरवन महात्मा तुम्हें तो बताओ कोई रियल बंधु क्या वार्षिक भ्रमण कौन है।
लाड भारी लाइज करते हैं जवाब देते हैं ब्राह्मण तुम कम हो, ब्राह्मण जन्म से नहीं होता है, ब्राह्मण कर्म से होता है। एक चौथी सप्ताह आम बयान एंडर मैंगो ट्री, इस स्थान को हम लोग कहते हैं डायमंड हाउस, डायमंड माने हीरा रतन, ये रतन है। तो वहाँ पर जब भगवान बुद्ध साधना में थे तो साधना के समय उनको वडी से रे निकला, अब बात कर गहराई से स्टडी करने के बाद सारा धरातल पर वाइब्रेशन पैदा हुआ और धरातल पर जितने भी देव लोग की देवताएँ थे सभी लोग यहाँ विराजमान हुए और सभी लोग भगवान बुद्ध को नमस्कार कर और उन्होंने स्वागत में सोना चांदी हीरा मोती से स्वागत, इसलिए वह स्थान का नाम रखा गया रतन रतन में। और तो ये मंदिर में सबसे बड़ा खासियत है कि मंदिर में कितना भी भीड़ हो जाए लाखों हजारों लेकिन आवाज़ नहीं पता नहीं चलता, शोरगुल पता नहीं चलता, बहुत शांति महसूस होता है यहाँ पर, इसलिए संतुष्ट भी है क्या होता है। थाईलैंड का है ना, ये थाईलैंड का है और गौतम बुद्ध को हर देश में
अलग अलग तरह मानते थे और सब पूजा करते हैं। ये थाईलैंड का मठ है और ये मंदिर जो है अभी बंद हो चुका है। ये आज हम लोग को दिखाने पाएंगे, आपको बाहर भी देखना पड़ेगा। ये कुछ ही देर के लिए खुलता है, फिर ये क्लोज हो जाता है। दोस्तों देखिए बाहर से कितना खूबसूरत है, कितना देर खुलता है, कितना देर तक खुलता है। ये सुबह टाइमिंग है 1 बजे।